दोस्तों मुंबई के करोड़ों के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन को जैसे ही रिस टॉपली ने क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा देखने लायक था। जी हां दोस्तों, आरसीबी के खिलाफ मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी कर रही थी, उनके बेहतरीन बल्लेबाज ईशान किशन पवेलियन जा चुके थे। अब कैमरन ग्रीन और रोहित शर्मा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, लेकिन रिस टॉपली ने कैमरन ग्रीन को क्लीन बोल्ड करके उन्हें चलता कर दिया। ग्रीन ने अपनी पारी में 4 गेंदों में केवल 5 रन ही बनाए, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा काफी दुखी और निराश नजर आ रहे थे। कैमरन ग्रीन का आउट होना मुंबई इंडियंस के लिए एक तगड़ा झटका था और रोहित शर्मा का गुस्सा होना भी जायज था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार भी मुंबई इंडियंस चैंपियन बन पाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।